नमस्कार दोस्तों, देखिए ये सब परफेक्टली बिठा दिया है। एनर्जी मीटर 6 इन 1, ये पावर प्लेट, ताकि पावर प्लेट क्यों बिठाया है, 15 एम्पेयर का भी लोड चेक कर सके और 5 एम्पेयर का भी लोड चेक कर सके। ये 5 एम्पेयर पिन बैठेगा इधर, इधर 15 एम्पेयर पिन बैठेगा, ऑन ऑफ भी मिलेगा, प्रोटेक्शन भी मिलेगा, फ्यूज़ इंडिकेटर भी मिलेगा। वायरिंग दिखाता हूँ आपको, वायरिंग समझाता हूँ। देखिए कलर कलर के वायर में यूज़ किए हैं, ब्लैक न्यूट्रल, रेड फेज। देखिए इधर की न्यूट्रल पीली है, ऊपर से आने वाली इनपुट न्यूट्रल काली है। ये फेज, ये देखिए ये फेज इधर से यहाँ आई, ये सिटी में से गुजर के फ्यूज पर गई, फ्यूज से स्विच पर सप्लाई आ गया, स्विच ऑन करने पर स्विच के दूसरे टर्मिनल पर आ गया, इधर प्लग को आ गया, इधर फेज, ये न्यूट्रल। ये पीले वायर जो है वो इंडिकेटर के लिए, ये फेज इंडिकेटर की, ये फेज, ये इंडिकेटर के न्यूट्रल, ये न्यूट्रल इधर यहाँ से आ गई, ये पीली न्यूट्रल है, ये काली मेन इनपुट, इधर से पीली बिठाया है आपको समझने के लिए, परफेक्टली समझने के लिए। आपको न्यूट्रल डायरेक्ट रहता है, फेज इंडिकेटर, फेज पहले आया यहाँ, फिर यहाँ से सिटी में से निकल के फ्यूज पर, इधर फ्यूज पर आ गया, इधर स्विच पर आ गया। देखिए और सिटी यहाँ कनेक्ट की हुई थी, सिटी यहाँ पे कनेक्ट की होती है। एकदम सिंपल वायरिंग है, 5 साल का बच्चा, 5वीं कक्षा का बच्चा भी ये समझ पाएगा वायरिंग, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है वो भी समझ पाएगा ये वायरिंग। फेज न्यूट्रल अभी दिखाता हूँ आपको मैं चालू करके। ये 18 वाट का बल्ब लगा है, ऑन करता हूँ। देखिए 237.3 वोल्ट, वैटेज 17.7 एम्पियर, 007, 49.88 AZ, पावर फैक्टर 0.97, मल्टीमीटर जोड़ के दिखाता हूँ। ये मल्टीमीटर भी जोड़ दिया है, इधर कितना वोल्टेज दिखाता है, 236.9 वोल्ट, इधर देखिए 235 वोल्ट,
ज़्यादा फर्क दिखाता नहीं, एक पॉइंट का फर्क दिखाता है। थर्टी सेवन टू 38 होल्ड दिखाता है, इधर मल्टीमीटर पर 236 होल्ड दिखाता है। धन्यवाद दोस्तों, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।